जय श्री राम दोस्तों। आज है 30 अक्टूबर 2024। 30 अक्टूबर 2024 से जितने भी हरियाणा के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आज आपकी क्लास में है। और आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान हो, गणेश जी भगवान की आपके मनोकामनाएं आपकी जल्दी पूरी करें। तो दोस्तों, और डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम को 8 बजे स्टेटिक जीके की होती है। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप दास जी के हैकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना जो यूट्यूब चैनल है दास जी के हैकर, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और द फेसबुक जो ग्रुप है इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन दोस्तों आज आपके सामने, कि हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा का जो नया मुख्य सचिव है वो बनेंगे विवेक जोशी बनेंगे। ए ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट है। आइए हम बात करते हैं जो हरियाणा राज्य का जो नया मुख्य सचिव है, 1989 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी हरियाणा के 37वें क्रम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो ध्यान रखना 37वें क्रम के हैं, ये वाला पॉइंट है ध्यान रखना आपको। सेकेंड है इसके अंदर, हरियाणा की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी उनका नाम था मीनाक्षी आनंद चौधरी था, जो नवंबर 2005 में बनी थी। तो ये वाला पॉइंट बना रखना, जो नए हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेक जोशी हैं और 37वें क्रम के हैं दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में हरियाणा की 15वीं जो विधानसभा 2024 में चुनाव हुए हैं उसमें किस विधायक ने उर्दू भाषा में शपथ ली थी दोस्तों। यहाँ पे ये पूछा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, कृष्ण यादव, ए बी दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के पुनहाना जो सीट है मेवात में पड़ती है, जो विधायक है मोहम्मद इलियास और अथीन से जो विधायक हैं उनका नाम है मोहम्मद इसराइल ने, दोनों ने सबको उर्दू भाषा में शपथ ग्रहण की है। साथ में ही रतिया जो फतेहाबाद में पड़ता है विधायक जनरल सिंह तथा कलाउली जो सिरसा में विधायक पड़ते हैं शीशपाल, उन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण की थी। साथ में यमुनानगर से जो विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा, और रेवाड़ी से जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव जी, और इंद्री करनाल से जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप ने संस्कृत भाषा में क्या ली है, शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और अभी जो 15वीं विधानसभा से जो आपको बता दूं, ये चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ से जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, ध्यान रखना क्या बनाए थे, प्रोटेम स्पीकर वो बनाई थी रघुवीर कादियान को बनाया था दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद करना है, किसको, रघुवीर कादियान को बनाया था, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दास जी के हैकर रहेगा और उसमें लोगो ये वाला रहेगा दास जी के हैकर के ऊपर, ठीक है। तो सभी साथी टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी सभी एग्जाम के लिए। साथ में देखना है, हाल ही में हरियाणा के किस शिक्षा संस्थान ने नदी के किनारे पर होने वाले कटाव व बहाव को रोकने के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम का अनावरण किया है या बनाया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इसका, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों। ये हरियाणा के एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कौन सी, कहाँ पे, जाट पाली गांव में पड़ती है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में जाट पाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर हुई थी। वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं जिसको हम बोलते हैं वाइस चांसलर बोलते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, ध्यान रखना। और जो इनके प्रथम जो कुलपति था उनके नाम थे प्रोफेसर आर सिंह कुहाड़ था, ठीक है, आर सी कुहाड़ के नाम से जानते थे इनके। यहाँ पे हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 24 से 26 फरवरी 2024 को 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी मेले का आयोजन हुआ था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बता देता हूँ। यहाँ देखना 40वीं जो राज्य पशु प्रदर्शनी है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, महेंद्रगढ़ के जाट पाली के अंदर हुआ था।
गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 हिसार में हुई थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो स्थापना 1976 रोहतक के अंदर हुई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1970 हिसार के अंदर हुई थी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2010 के अंदर हिसार के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके, और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट यही काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है। हाल ही में हरियाणा के कौन से एयरपोर्ट पर DVOR डोपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज को सिस्टम को लागू किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर किया है जो आपका हिसार एयरपोर्ट है यहाँ पे किया है। आइए हम बात करते हैं, हिसार एयरपोर्ट से 5 राज्यों के लिए उड़ान भरी जाएंगी। आपको सभी को पता है कहाँ कहाँ से, हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू कश्मीर के लिए हवाई यात्राएं उड़ान भरी जाएंगी। यहाँ से अगर हम बात करते हैं हिसार एयरपोर्ट से, सबसे पहले कहाँ पे, अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए उड़ान भरी जाएगी। हरियाणा में टोटल जो हवाई अड्डे हैं दोस्तों कितने हैं, 7 हवाई अड्डे हैं। हरियाणा के 15वीं विधानसभा के अंदर जो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए हैं वो कौन बनाए हैं, विपुल गोयल को बनाया है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये वाला पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, आपके सामने क्लियर है। अगला यहाँ पे देखना है, हरियाणा में नागरिक उड़ान जो विभाग है, उड्डयन जो विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा गठन हुआ था उसी समय। हरियाणा में 1966 को 2 एविएशन क्लब खोले गए थे, कहाँ पे, करनाल और हिसार में स्थापित हुए थे। और 1966 में तीसरा जो एविएशन क्लब खोला गया था वो पिंजौर पंचकुला में खोला गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हरियाणा में वायु परिवहन प्रशिक्षण केंद्र 3 है, कौन, करनाल, हिसार और पिंजौर। कहाँ पड़ता है आपका, पंचकुला में है। हरियाणा में हवाई पट्टी कितनी, 5 है, किस किन स्थानों पर, हिसार, भिवानी, करनाल, नारोल यानी महेंद्रगढ़, बाछोद गांव के अंदर पड़ती है। महेंद्रगढ़ में ध्यान रखना, बाछोद गांव है ना ये, नारोल के पास, वहां पे। पिंजौर कहाँ पे है, पंचकुला में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना आपको, इंडियन एयरफोर्स के 2 सैनिक हवाई अड्डे कौन से, अंबाला और सिरसा है। देश का पहला सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा कौन सा है, ये भी आपका कौन सा, हिसार वाला है। हरियाणा राज्य का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, हिसार हवाई अड्डा है। उसके बाद हिसार से चंडीगढ़ के बीच हवाई यात्रा उड़ान योजना के लिए एक योजना बनाई थी, उड़ी देश का आम नागरिक के तहत में ये योजना उड़ाई गई थी, हवाई जहाज जो प्लेन है वो उड़ाया गया था। तो दोस्तों जितने भी साथी हैं आपको ये बताना है कि यहाँ से जो अनिल विज के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, अनिल जो विज हमारी जो 15वीं विधानसभा में मंत्री बने हैं उनके पास कौन से मंत्रालय हैं, ये आपको बताना है। आज के लिए होमवर्क जो क्वेश्चन है आपके पास ये है कि अनिल विज के पास कौन से मंत्रालय हैं। सभी साथी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ से विधायक हैं, कौन कौन से इनके पास डिपार्टमेंट हैं। और जितने भी साथी देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है आपका द GK हैकर, इसको लाइक कर देना एक बार, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। अगर आपको सभी प्रकार की PDF चाहिए, हिंदी, कंप्यूटर, हरियाणा GK, नेशनल GK, करंट अफेयर, तो GK हैकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ये वाला लोगो रहेगा आपका। इंस्टाग्राम पे मुझे @GKHacker5 के नाम से फॉलो कर सकते हो, ये वाला लोगो है। फेसबुक पे भी आप मुझे @GKHacker लोगो यही रहेगा। और PDF के लिए मैंने बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप करें। तो और आज के लिए सभी को नमस्कार, सभी को हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, सॉरी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों शेयर कर देना एक बार सेशन को, और आज के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री राम।